Hey guys, welcome to the new video. मेरा नाम है अंकित और आज के वीडियो में जैसा कि आपने वीडियो को स्टार्टिंग में देख लिया होगा मेरे पास एक बहुत ही धुआंधार कार प्रोडक्ट है आपके लिए. इसी प्रोडक्ट के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. गाइस, आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुझे इसको भेजा है bangwood.com ने और इसको खरीदने के लिए लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कुछ इस तरीके बॉक्स पैक में ये आता है. इसको हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि पैकेज में क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है. तो जैसा कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, इसमें कुछ इसके की स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए हुए हैं और नीचे की तरफ इसके वोल्टेज वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई. तो गाइस, देखने में तो ये एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ह्यूमिडिफायर है. और जो स्मोक आपने इसमें से निकलते हुए देखा था वो एक्चुअल में स्मोक नहीं था, वो एक वेपर मिस्ट थी जो इसमें से निकलती है. इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और एकदम सॉलिड फील है. अंदर की तरफ इसमें मुझे एक USB केबल देखने को मिली है जो इसको ऑन करने के लिए यूज़ होगी, और साथ ही साथ एक क्वालिटी चेक का कार्ड भी है जो कि चीनी या जापानी किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ. अगर आपको समझ में आती तो मुझे ज़रूर बताइएगा. तो गाइज, अब हम आ गए अपनी कार में और आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ह्यूमिडिफायर काम करता है. इसमें एक बटन दिया है जो इसको ऑन ऑफ और इसके मोड्स को कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ऊपर की तरफ एक मैश ग्रिल दी गई है जिसमें से लाइट एमिट होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है. पीछे की तरफ देखते हैं तो इसमें दो USB पोर्ट दिए हैं. इसमें एक नॉर्मल USB पोर्ट है जो आप अपने डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए एज अ चार्जर यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो पोर्ट है वो माइक्रो USB पोर्ट है जो इसको ऑन करने के लिए काम में आएगा. अब मैं जल्दी से आपको इसको यूज़ करना भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है. मैं सिंपली इसको ओपन करना है और इसमें फ़िल करना होता है पानी. तो आप कोई भी नॉर्मल वाटर इसमें भर सकते हैं. आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, चिंटी से भी छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना इसमें मैक्सिमम पानी का लेवल हम भर सकते हैं. अब मैं जल्दी से इसमें पानी फिल कर लेता हूँ. आप चाहे तो इसे केवल पानी भरकर एज अ एयर फ्रेशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पानी के साथ कुछ बूंदें अरोमा ऑयल या एसेंशियल ऑयल की डालकर इसे अरोमा ऑयल डिफ्यूज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. इसका ढक्कन लगाने में मुझे हमेशा परेशानी होती है और एक बार मुझसे लगता नहीं है ये ढक्कन मेरी नाक कटवा के ही मानेगा. अभी लग जा साले, माफ़ कीजिएगा, गुस्से में यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ. तो लग गया है मेरा ढक्कन और इसको रख लेता हूँ इसका फोल्डर में, और बॉटल को भी साइड में रख देता हूँ वरना कहीं इस बॉटल का पानी फैल गया तो सारे की कराए पर पानी फैल जाएगा. तो मैं इसको ऑन करने के लिए इसके साथ आई हुई USB केबल को इस पर कनेक्ट कर देता हूँ और बताता हूँ आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है. तो जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ इसका ह्यूमिडिफायर फंक्शन तुरंत ही चालू हो जाता है और इसमें से जो वाटर है उसकी वेपर रिलीज़ होने लगती है. और पानी में अरोमा ऑयल मिलाने की वजह से इसमें से जो वेपर रिलीज़ हो रही है उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है. अब अगर मैं इस बटन को फिर से एक बार प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो ह्यूमिडिफायर फंक्शन है उसमें एक इंटरवल मोड चालू हो जाता है, और ये दो सेकेंड के इंटरवल मोड में चालू होने लगता है. और अगर मैं बटन को फिर से प्रेस करता हूँ एक बार तो ये इसका ह्यूमिडिफायर फंक्शन बंद हो जाता है. इसको वापस से ऑन करने के लिए इसको सिंगल प्रेस करना है, और अगर मैं इस ह्यूमिडिफायर फंक्शन का लाइट के साथ यूज़ करना चाहता हूँ तो इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है. इस ह्यूमिडिफायर के टैंक की कैपेसिटी है 200 ml, मतलब कि इसमें आप 200 ml तक पानी भर सकते हैं. और अगर आप इसको एक बार पूरा फिल करके चलाते हैं तो कंटिन्यूस मोड पर आप इसको लगभग 3 से 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको इंटरवल मोड पर चलाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं लगभग 8 से 9 घंटे तक. इसके लाइट्स के कलर अपने आप ही चेंज होते रहते हैं ऑटोमेटिकली फेड मोड पर, और अगर आपको कोई कलर पसंद आ रहा है तो आपको सिंपली उस कलर पर इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना होता है और वो कलर इसमें स्टेबल हो जाता है और फिर वो कलर चेंज नहीं होता है. अगर आप अपने हाथ को इसकी मिस्ट के पास ले जाते हैं तो आपको हल्का सा एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ पर यहाँ पर ओस की बूंदों की जैसे कुछ ड्यू जैसी जम गई है. और अगर मैं अपने सनग्लासेस को इसके ऊपर ले जाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है. और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चश्मे के ग्लासेस के ऊपर भी ये मिस्ट जम गई है. गाइस, ये जो ह्यूमिडिफायर है ये एक अल्ट्रासोनिक टाइप का ह्यूमिडिफायर है, और बाकी सभी टाइप के ह्यूमिडिफायर्स में अल्ट्रासोनिक टाइप का ह्यूमिडिफायर सबसे बढ़िया होता है. अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर्स में जो वेपर क्रिएट होती है वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू होती है जो इन्हें यूज़ करने के लिए सबसे ईजी और सेफ बना देते हैं. साथ ही साथ इसका सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा है वो ये कि जब इससे वेपर रिलीज होती है तो इसमें से बिल्कुल भी नॉइस नहीं आती है और बिल्कुल साइलेंटली ये काम करता है. आप चाहे तो इसका यूज़ कार के अलावा अपने घर में भी एज अ नाइट लैम्प या टेबल टॉप एसेसरी के तौर पर कर सकते हैं. और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे एक ह्यूमिडिफायर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो आपको वहां पर भी कई सारे इसके बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे. आपके बेनिफिट की एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने मेरा टायर लेटर्स को हाईलाइट करने वाला ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर जाकर आप देख लीजिए, मुझे लगता है आपको काफी पसंद आएगा. अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग कार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड लाइक.